सो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एम के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट यूजी 2024 वालों को अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है तो उसके लिए कितना अंक लेकर आना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, नीट में कितना अंक मार्क्स आपको लेकर आने होंगे, यहाँ पर कितना स्कोर आपको करना है 2024 में, ताकि आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाए सरकारी मेडिकल कॉलेज में। यानी कि यहाँ पर 2024 में एमबीबीएस का कट ऑफ कितना रहने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि काफी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों के, और उनका यही कहना था सर 2024 का कट ऑफ कितना रह सकता है और हमको कितना अंक यहाँ पर लेकर आना होगा। तो इसको लेकर आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पर जारी हो चुका है। तो यहाँ पर सभी स्टेट का चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। चलिए मैं आपको स्टेट वाइज लिस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। राजस्थान के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज का पूरा अपडेट यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, जैसा कि लिस्ट पे आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाला है। और इतना ही नहीं, आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी का यहाँ पर आ चुका है अपडेट, प्रत्येक हर एक कैटेगरी का, चाहे वो जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, सभी का यहाँ पर जिक्र हम करने वाले हैं। तो आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो उनको तो देखो नीट का, एमबीबीएस का, बीएस नर्सिंग का हर एक अपडेट मिलेगा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए यहाँ पर वन बाय वन करके इनका जिक्र हम कर लेते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो नीट 2024, नीट परीक्षा में कितने नंबर लाने पर आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उससे भी आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो। तो ये न्यूज़18 की तरफ से भी अपडेट यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर इंडिया के जो टॉप मेडिकल कॉलेज है उनका आप यहाँ पर देख सकते हो। पराजित मिश्रा ने बताया, जो करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट है पराजित मिश्रा ने बताया है कि ऑल इंडिया 15% कोटे में एमबीबीएस कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग यहाँ पर देख पा रूंगे 19,396, ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 19,977, और एससी में आप देख सकते हो 1 लाख के ऊपर यहाँ पर चला गया। एससी और एसटी का कट ऑफ हमेशा कम जाता है, तो इनको काफी दूर रैंक तक भी इनको कॉलेज मिल जाता है। इसी प्रकार आप दिल्ली में देख लो, जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग 57 और ईडब्ल्यूएस की 223, ओबीसी की 255 और एससी की 989। एम्स का भी देख सकते हो आप यहाँ पर क्लोजिंग, एम्स में जनरल कैटेगरी का आप देख लो आप, ठीक है। ये देखिए अन्य एम्स जो है तो उनका यहाँ पर 4,377, और ईडब्ल्यूएस का देख लो आप 6,549, ओबीसी का 5,254। अब ये तो एम्स का आपने देख लिया, लेकिन आप बोलोगे सर हमारे स्टेट का कितना कट ऑफ जाएगा, हमारे राजस्थान का कट ऑफ कितना जाएगा, हमारे यूपी का कितना जाएगा, हमारे बिहार का, हमारे मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, झारखंड का। तो चलो उनका भी कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे राजस्थान से। तो राजस्थान में सपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जो जोधपुर में है उसका कट ऑफ देख लो जनरल कैटेगरी के लिए कितना है और आपके एससी और एसटी के लिए कितना है। तो जनरल ओबीसी का जो यहाँ पर कट ऑफ रहता है वो 600, 650 के करीब रहता है, ठीक। और एससी और एसटी का आप देख लो यहाँ पर 567 के समथिंग, एससी का और एसटी का 546 के लगभग आपको नंबर लाना होगा 2024 में, तब जाके ये कॉलेज आपको मिल पाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर का देख लो, ये राजस्थान का है ना। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो स्कोर रहता है, अगर आप नंबर की बात करें तो 624 अंक आपको लेकर आने होंगे, 25 मान लो, 26 मान लो, लगभग इतने अंक आपके आना चाहिए 2024 में, तब जाके राजस्थान में यहाँ पर आपको मिल पाएगा। और अगर आपको रैंक लानी है तो लगभग ये रैंक लेकर आनी होगी। एससी कैटेगरी के लिए देख लो आप, और एसटी कैटेगरी के लिए 536 एससी के लिए और एसटी के लिए 519,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो स्कोर रहता है लगभग आपको 623 अंक लाने होंगे, और एससी कैटेगरी में 534 अंक, और एसटी के लिए 516 अंक आपको लेकर आने होंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर 630-32 के समथिंग अगर नंबर ले आते हो आप तो पक्का आपको मिल जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 561 पे भी मिल जाएगा, और एसटी में 550 550 पे भी आपको यहाँ पर ये कॉलेज मिल जाएगा। इसी प्रकार पाली की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली राजस्थान, तो ये मेडिकल कॉलेज आपको 625 में मिल जाएगा जनरल में, और एससी एसटी में 536 और 523 इन मार्क्स पे आपको मिल जाएगा, इन स्कोर पे आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर अजमेर का देख सकते हो, ठीक है, 536 जनरल के लिए और एससी के लिए 548 है ना, 539, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो झालावाड़ का है उनका भी आप यहाँ पर देख लो। और टेलीग्राम फॉलो कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप चूरू का देख लो, रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर का आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो, है ना, 640, 554, 546। इसके बाद ये RUHS मेडिकल कॉलेज जयपुर, तो इनका कट ऑफ रहता है जनरल कैटेगरी के लिए 653 और एससी के लिए 582 और एसटी के लिए 555। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, तो जनरल कैटेगरी के लिए 649 और एससी कैटेगरी के लिए 576 और एसटी कैटेगरी के लिए 552। फिर आता है आपका SMS मेडिकल कॉलेज, तो ये राजस्थान का टॉप मेडिकल कॉलेज है, तो इसका थोड़ा हाई रहता है ना, स्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जनरल कैटेगरी का 670 के लगभग कट ऑफ रहता है इसका, और एससी का देख लो आप 630 और एसटी का 627। अगर ये अंक लगभग आपके आते हैं तब जाके ये SMS आपको मिलता है। तो यहाँ पर सारे मेडिकल कॉलेज हमको मिलेंगे अच्छे वाले, जिनका कट ऑफ कम रहता है वो भी, है ना। यहाँ पर मिस प्रिंट है थोड़ा, इसके चक्कर में रहना, ये क्या है, रैंक हो गया यहाँ पे, बाकी नीचे आप नंबर देख सकते हो। भरतपुर का आप यहाँ पर देख लो, भरतपुर का भी आ गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में देखो, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट टीचिंग हॉस्पिटल बहराइच, तो जनरल का यहाँ पर 616 और एससी का 525 और एसटी का 507 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत सारे बोलेंगे कि सर ऐसा कोई जुगाड़ बताओ जो 500 में 500 नंबर आ जाए हमारे नीट में, हमारे 550 नंबर आ जाए, 600 नंबर आ जाए, तो चिंता क्यों करते हो, जब हमने सिलेक्शन पा लिया तो आपको भी सिलेक्शन दिलवा देंगे, नो टेंशन। अभी उसका भी टिप्स एंड ट्रिक आपको बताएंगे। स्वायत्त स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या, इसका जनरल का कट ऑफ रहता है यहाँ पर देखो आप 616 के समथिंग अगर आपके आते हैं 2024 में तो मिल जाएगा आपको, और एससी के लिए देखो 530 और एसटी के लिए 502। यहाँ पर देखो आप स्वायत्त स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, जनरल का 616, एससी और एसटी का देख लो 527, 506। इसी प्रकार फिरोजाबाद का देख लो आप, जनरल का 620 और एससी एसटी का 531, 512। फिर आता है आपका गोरखपुर, है ना, तो गोरखपुर में देखो आप 626, 533, 522, है ना, जनरल एससी और एसटी का क्रम वाइज। फिर आता है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पर 647 और एससी के लिए 570 और एसटी के लिए 544, ये कट ऑफ रहेगा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा, यहाँ पर जनरल का 617, एससी का 525, एसटी का 505, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस नोएडा 635, 544, 509, ये कैटेगरी वाइज इस प्रकार से आपका कट ऑफ रहेगा। फिर आता है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो जनरल का यहाँ पर 665, एससी एसटी का देख लो आप 615 और 597। देखो ये जो स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज है इनका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है,
SC ST वालों के लिए भी। फिर आता है यहाँ पर आपका मेरठ का, तो यहाँ पर देखो 636, 545 और 521 कैटेगरी वाइज देख लो आप। फिर आता है आपका अम्बेडकर नगर 621, 532, 513 कैटेगरी वाइज, ठीक है। फिर आता है आपका महारानी लक्ष्मीबाई झांसी 627, 533, 525, इलाहाबाद 632, 540, 521। तो इस प्रकार ये कट ऑफ उत्तर प्रदेश का। बाकी के जो मेडिकल कॉलेज है जैसे कि आगरा का, तो उसका कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए 632, 543, 531। तो ये देखिए शाहजहाँपुर, सहारनपुर 621। चैनल देखो सब्सक्राइब कर लिया है आपने, बेल आइकन पर प्रेस कर लिया है, तो नो टेंशन रहो, हर सीट, हर स्टेट, हर जिला सब मिलेगा आपको यहाँ पर अपडेट। अब यहाँ पर सहारनपुर का देख लिया, शाहजहाँपुर का देख लो, जनरल का देख लो 616 और 525 और 509 कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते मध्य प्रदेश की, MP की। तो MP की बात करें तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, तो यहाँ पर देखो SC और ST का जो स्कोर रहता है वो 531 और 510। और चिंदवड़ा मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर जनरल का रहता है 616 और 523 और 511 कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। ग्वालियर का देखो आप, जो गजराजा मेडिकल कॉलेज है ग्वालियर का, उसका MBBS का कट ऑफ रहता है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 629 और SC और ST का 538 और 527। फिर आता है यहाँ पर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, इसका जनरल कैटेगरी का रहता है आपका देखो 635 और SC का रहता है 541 और ST का रहता है 534। तो ये भोपाल मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ इस प्रकार से रहेगा आपके। देखो 2024 में भी यही नंबर आपको लगभग लाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर फॉर्म की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कॉलेज की संख्या भी तो बढ़ गई, सीटों की संख्या भी तो बढ़ गई, तो ये उन्हें एवरेज आपको लाना होगा। इसी प्रकार आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा का देख लो 615, 527, 509। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम का देख लो 618, 528, 513। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल का देख लो 615, 523, 502। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी 616, 523 और 518, ये यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का। फिर आता है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा 618, 524, 509, यहाँ पर आपको देखते जाना है, ये जनरल के लिए, ये SC के लिए और ये ST के लिए। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर 644, 545, 540। फिर आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर 626, 535, 514। फिर आता है आपका श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, यहाँ पर जनरल का देख लो आप 622, SC का 530 और ST का 511। अब यहाँ पर बात कर लेते बिहार की, तो बिहार का अनुग्रह मेडिकल कॉलेज जनरल का 618, 618 के बाद 528, 501 है ना, SC ST का देख लो आप। लहरिया का देख लो यहाँ पर 626, 524, 504। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया 617, 522, 500। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पटना, जनरल के लिए यहाँ पर कट ऑफ रहेगा आपका 639 और SC के लिए 523 और 520। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, तो इसका रहेगा 620, 522, 516। फिर यहाँ पर नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना 631, 536 और 520। पटना मेडिकल कॉलेज, तो जनरल का तो 650 रहेगा यहाँ पे और SC ST का 580 और ST का 547। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर,
620, 525 और 516, और नालंदा का देख लो 623, 528 और 504। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लिस्ट तो काफ़ी सारी है, अभी दिल्ली का भी चर्चा हमको करना है। दिल्ली की लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी चंडीगढ़ का भी आप यहाँ पर देख पा रहे, पंजाब का लिस्ट भी हमारे पास आ चुका है, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगा अगर सभी का जिक्र इसी में करेंगे। तो अगला पार्ट टू भी आएगा, है ना, जिसमें बाकी के बचे हुए मेडिकल कॉलेज की चर्चा हम करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो मिल जाएगा। और रही बात तैयारी की, ताकि आपके ये नंबर आ सके, तो इनके लिए देखो मैंने आपको बता रखा है कि क्रेश कोर्स स्टार्ट है और तैयारी जबरदस्त तरीके से स्टार्ट है 2024 के लिए। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर एमकेएस अकेडमी ऐप मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये एमकेएस अकेडमी ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो घर बैठे, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिल जाता है, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, टेस्ट का सीरीज, प्रैक्टिस एमसीक्यू सब आपको मिल जाता है। तो कोचिंग ले सकते हो, चाहो तो आप ऑनलाइन मेडिकल टीम से। अगर कोचिंग लेने में कोई दिक्कत आती है तो ये आपके लिए हेल्प लाइन नंबर रहने वाले है। तो आप यहां से नीट का या फिर बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, नया बैच स्टार्ट है।